नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लाइफ। आइए देखते हैं क्या है न्यूज फॉर लाइफ पर आज की खास खबर। कोरोना वायरस के कारण बिहार समेत पूरा देश अलर्ट पर है। इसको लेकर बिहार सरकार ने 31 मार्च तक राज्य के सभी विद्यालय कोचिंग बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके बावजूद भी शहर के कई कोचिंग संस्थान सरकार के नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने कोचिंग संस्थान खोले हुए हैं। शहर के रामराज मोड़, महादेवा में दर्जनों कोचिंग संस्थान सोमवार को खुले रहे। जब मीडिया के कैमरे के सामने कोचिंग संस्थान के शिक्षक आए तो जल्दी जल्दी कोचिंग बंद कर भागते हुए नजर आए। कई कोचिंग में अंदर से दरवाजा बंद कर पढ़ाई कराई जा रही थी। रामराज मोड़ कोचिंग का हब माना जाता है। यहां सैकड़ों की संख्या में कोचिंग है, लेकिन ये सब न बिहार सरकार के आदेश को मानते हैं, न डीएम और जिला प्रशासन का इनको खौफ है। तो मीडिया के माध्यम से सिवान अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार को इसकी सूचना मिली, तो सूचना मिलने के तुरंत बाद सिवान सदर बीडीओ रविंद्र कुमार दलबल के साथ पहुंचकर कई कोचिंग संस्थानों की जांच की। हालांकि तब तक सभी कोचिंग संस्थान ताला बंद कर फरार हो चुके थे। सवाल उठता है कि छात्रों का भविष्य बनाने वाले शिक्षक ही जब सरकार के नियम कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, सरकार के आदेशों की अवहेलना करेंगे, तो बच्चों को वो क्या ज्ञान देंगे। अब देखना है कि जिला प्रशासन सरकार के आदेश की अवहेलना करने वाले शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। उसी की जांच के लिए हम लोग निकले हुए हैं और उनसे अनुरोध किया गया कि अपना कोचिंग बंद कर दीजिएगा, अगर खुला पाया जाएगा तो आप पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। क्या कार्रवाई सर जो भी उसमें कार्रवाई होगी उन पर जो भी धाराओं के अंतर्गत उन पर जो कार्रवाई की जानी है खुले पाया जाएगा तो हम लोग उसको करवाई। आपकी नजर में थे कोचिंग? हम लोग आए थे तब तक वो सारे लोग बंद कर दिए थे, क्योंकि उन लोगों का कहना था हम लोग सब नोटिस चिपकाने के लिए आए हुए थे। कुछ बच्चे भी जो आए हुए थे वो बाहर से ही चले गए।